आज पहुंच गए गांव जोड़ी जिला सोनीपत में। अर्जुन जोड़ी जो कि एक नया बुल निकल का है, नया नाम, नाम पुराना है लेकिन बुल नया है। भाई सुनील जोड़ी ने बहुत बढ़िया बुल तैयार किया और पहली बार मेले में लेकर गया, पहली बार ही कौन सा स्थान हासिल कराया, वह सारी जानकारी लेंगे भाई सुनील जोड़ी से। बार बार स्वागत है पशुपालन विकास मंच पे सुनील जोड़ी का। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजयेंद्र ओली की तरफ से सारे भैया राम राम भाई। अरे इसी बीमारी जो सबके आगे नहीं बताई जाती यार, बतेरे पर यारी सब तो नहीं निभाई जाती। गलत मार्ग से हटा यार ने जो सत मार्ग पर लिया हुआ है, अवगुण जाहिर करे नहीं गुण होते जरूर बतावे, लेन देन की चिंता दिल से बिल्कुल दूर भगावे। हर यार वो ऐसा जो यार का कदे बुरा नहीं चावे, यार के आगे दिल की बात कदे नहीं छुपाई जाती। हरियार बतेरे पर यारी सब तो नहीं ना भाई जाती। सुनील भाई राम राम। राम राम भाई जी, राम राम सारे भाई चैनल देखने वाले सारे भाई, राम राम। और सुनील भाई ठीक ठाक है? बढ़िया भाई साहब। सुनील भाई कितने पशु अपने पास है? अपने पशु भाई चार पशु है भाई। उनमें कितने बुल हैं और कितने बच्चे, कितनी भैंस हैं? भाई दो भैंस है, एक बुल है, एक गाय है। अच्छा, ये जो अपना बुल है क्या नाम रखा आपने इसका? इसका अर्जुन नाम भाई, अर्जुन जोड़ी। हाँ जी जोड़ी। एक अपना अर्जुन चैंपियन बुल है भाई, अर्जुन कुंगड़े। हाँ। और ये अपना अर्जुन सोनीपत है भाई। भाई नाम अच्छा पसंद आया भाई ने, कैसे योद्धा का नाम है जिसकी एक बहुत ही बड़ी पहचान है, तो भाई ने भी अर्जुन नाम रखा है। ये अपना अर्जुन जोड़ी सोनीपत का बुल है। तो सुनील भाई अपना जो बुल है कितनी उम्र है इसकी पहले तो ये बताओ? 4.5 साल की उम्र भाई। 4.5 साल इसकी उम्र होगी। सुनील अपनी घर की ब्रीड है या कहीं से खरीदा था अपने? घर का है जो इसकी माँ लाई था, उसकी माँ के नीचे आया है। इसकी माँ ने 21 किलो 700 ग्राम दूध काटा था। अच्छा, अच्छा जो मेडिकल का, मेडिकल में भी टकवा था। अच्छा अच्छा, उसका भाई हो सरकारी सीमन है जो उसका बेटा है। इसकी माँ का 21 किलो 700 ग्राम दूध, 700 ग्राम दूध का रिकॉर्ड है। तो भाई 4.5 साल इसकी अपनी उम्र हो चुकी है। रिजल्ट बढ़िया हुआ करती है इस ना भाई, जो आप मेले में लेकर गए पहली बार, किस मेले में लेकर गए थे अपने ये जो बहुत बढ़िया बुल तैयार किया भाई, किस पर्पज तक तैयार कराया था कि मैंने यो बढ़िया अपना एक अच्छी ब्रीड पे मैं काम करूंगा, बढ़िया बुल तैयार करूंगा या मेले में लेकर जाऊंगा, चैंपियन बनाऊंगा अपने बुल ने, क्या सोच रखी थी अपना ये बुल तैयार करने के पीछे? भाई साहब एक बार झज्जर गया था, झज्जर मैंने देखे और एक तो एक चढ़ दे बुल आ रहे थे, फिर मारा उसका बुल था छोटा, मारा जब उसका जो छोटा बच्चा था, जब फिर हमने सोची मैं इसको हम बढ़िया चढ़ाई करूँगी ना, अगर कोई मेले मूले में लगाऊंगे। फिर मैंने ऐसा मैंने खाट घाट गया, ख्यासी करी, फिर भी नैना फतियाबाद दौड़ा एक मेला है, नैला पापड़ा जो मेला था इसमें लेकर गया था। उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली आपको? इसके भाई थारे पर गया भाई ना, फोन करके बताया भाई ने मेले में का दिवल लगा, इसका इतना ज्ञान हो गया इसके बारे में ले जाएगा। फिर मैंने जू ना फतियाबाद में मेले में लगाया भाई, जब जो चैंपियन बना पहले नंबर पर। तो पहली बार भाई ने लापावड़ा फतियाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो प्रदर्शनी थी उसमें लेकर गया। हाँ। और पहली बार मेले में लेकर गए थे आप? हाँ पहली बार लेकर गए थे। तो वहाँ पे जो कौन सी पोजीशन आई इसकी? पहले आई थी भैया अडल्ट बुल में, अडल्ट में आई थी पहले नंबर पर, पहला स्थान हासिल किया भाई। हाँ। पहली बार आप मेले में लेके गए और एक से एक चैंपियन बुला रहे था भाई, पंजाब से भी, हरियाणा से भी, बहुत बढ़िया बढ़िया बुला रहे थे। हाँ। उन सब को पछाड़ते हुए चैंपियन बुल बना था ये अर्जुन जोड़ी। हाँ। और पहली बार भाई लेके गया तो भाई कितना घोसला बढ़ा गया, जो आपने मेहनत करी थी बहुत मेहनत मारा करती, राजी हो गया करती, हमारा को आस नहीं थी बात की, हमारा भी हो जाएगा, हमारा भगवान द्वारा मौज कर दी थी भाई ना। अपना एक मेला देखने के लिए गए थे भाई, किस तरीके की प्रदर्शनी देखने लिए गए थे? हमने को नहीं लिया हमारा यू नाम पास हो जाएगा, हमने कोई इस बात चक्कर नहीं था, हमने वैसे हम लेगा गए थे उड़ा जाए बात छाई ना भाई, भगवान जाए ना ठीक। पहला स्थान वहाँ पर अपना बुल ने प्राप्त किया था। तो फिर उसके बाद में कोई ऐसी प्रदर्शनी में लेके गए आप? एक आड़ा जी नरवाना लेके गए थे भाई, नरवाना चोपड़ा पट्टी में हुई थी। हाँ। अपना सोनू गोयत भाई ने करवाई थी, उसमें लेके गए, उसमें लेके गए। वहाँ पर क्या रिजल्ट रहा भाई? पूरा भाई यू दूसरे नंबर पर आया था, वहाँ पर इसका दूसरा स्थान रहा था भाई, सेकंड पोजीशन है। अब तक दो मेला में लेकर गया भाई, भाई ना बढ़िया दोनों में, पहले मेले में पहला स्थान, दूसरे मेले में दूसरा स्थान हासिल कर रहा था अपना इस बुल में। वहाँ पर भाई अपना देवेंद्र कोच का जो बुल है वो पहले स्थान पर है। हाँ, वो पहले पर आया था भाई, तो ये अपना दूसरे स्थान पर आया था उस टाइम पे।
अपना बढ़िया तैयार है बोले भाई जसबीर मलिक जमोला, एक बार फेस पे कैप्चर करिए। रिंग सिंह है भाई बहुत बढ़िया सिंह और चेहरा मोरा और शांत बुल है, बिल्कुल एकदम से शांत। टेस्टिकल साइज भी बहुत बढ़िया है और भाई लंबाई लेंथ भी बहुत बढ़िया और हाइट भी बहुत अच्छी है भाई अपने बुल की। हाइट मापी हो, कितनी हाइट है अपने बुल की? इसकी होगी भाई 5.5 तो ऊपर है भाई। 5.5 फुट है। अपनी क्या हाइट है भाई? अपनी अभी 5-6 है। फिर तो ना था भाई कुर्सी पर चढ़ के नवाना। हाँ कुर्सी खोड़ पर चढ़ के नवा भी बड़ा। चलो भाई फिर भी बहुत बढ़िया है कि देखिए कितनी अच्छी हाइट है, बढ़िया बुल तैयार है। पहली बार जब हम किसे भी या दंगल में भाई पहलवान उतरे और पहले में उसकी जीत हो जाए ना तो एक हौसला बहुत बड़ा हो जाता है। जिस तरह भाई का हौसला बढ़ गया, दो मेले में लेके गया है, दोनों में पोजिशन लगाई है। अर्जुन जोड़ी, अर्जुन जो बुल है भाई का, जोड़ी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में, भाई फीड में क्या दिया गया इसने? फीड मेरे भाई बिनोले है, बिनोली खल है, गेवादरिया है, चोकर चाकर है भाई, चनी है बस। और तो भाई इसने इसकी जो एक्सरसाइज कितनी करवा करो रेस रास? भाई सुबह नो से भाई मुखला जब 2-3 किलोमीटर हंडा ला भाई ना। अच्छा। ज्यादा अगर गर्मी होगी इतना हंडा दे जाते नहीं, सुबह शाम बस यू है बस हंडा ला तालाब छोड़ दे थोड़ी आने, इसमें कूद ले यू। प्रदर्शनी शुरू हो जाएंगी सर्दियों में, उनके लिए क्या तैयारी चल रही भाई? उनके लिए थी पूरी तैयारी भाई अपनी ओर दे रखी थी, कोई इस बात की नहीं दिक्कत हमारी ओर पूरी तैयारी है। ये फिलहाल सेल करोगे या इसने आगे मेलों के लिए और तैयार करोगे भाई, और बड़ा कोई अपना लेवल पर चैंपियन बनाना है बुल? क्योंकि आपका जो बुल है भाई बहुत बढ़िया, इसकी सिंगा की बनावट बहुत बढ़िया, चेहरा मोरा बहुत अच्छा, टेस्टिकल साइज बहुत अच्छा है, हाइट भी बढ़िया और लेंथ भी बढ़िया भाई, प्योर मुर्रा नस्ल का जो अपना बुल है। तो आगे के जो मेले हैं, अभी तो एक ये जो अपना प्राइवेट प्रदर्शनी है, कल को भाई अपना गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रदर्शनी होती है वहाँ का भी चैंपियन बन सकता है अगर आप मेहनत करोगे तो। उनके लिए क्या तैयारी है सुनील भाई? भाई इन्हें लगाऊंगे एक दो बार मेले में, एक दो बार नहीं, ये मैं ये कहूँगा आप हरेक मेले में इसने जरूर लेकर जाओ भाई, पर चैंपियन तो बनाना ही पड़ेगा, हमें पता लग जाएगा हम इन्हें ले जाओगे ना, पता लग जाएगा कितने लग गए है ना। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हर एक प्रदर्शनी में लेकर जाना चाहिए। जब आप पहली बार लेकर गए तब भी उम्मीद नहीं थी कि भाई हमारा जो है बोलो वो पहला स्थान हासिल करेगा। हाँ ये बात। और जब रिंग में देखा हो गया आपने वहाँ पे, इससे भी बहुत शेत के भी बहुत तगड़े 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 तैयारी थे भाई। तो भाई एक ये एकदम से सरप्राइज था आपके लिए कि भाई आपका बुल ने पहला स्थान हासिल कर, खुशी तो होगी पहले स्थान खुशी तो हुई थी भाई यार। डीजे भी बाजा फेस के आ रहे गांव में। अच्छा अपना गांव में लेकर आए जब डीजे बजा, जब गांव में आए थे पहला स्थान हासिल कर भाई चैंपियन बना, कल को पहलवान मेडल लेकर आओ, जब जिस तरह उसका स्वागत कर गांव में उससे तरिया थे सुनील भाई ने, और अपना जो गांव के भाई है क्योंकि वो कह रहा है धन धनी घर शोभा नगरी की। हाँ। कोई चीज अगर नाम करती है तो गांव का भी जिले का भी और अपने राज्य का भी नाम रोशन करती है। उससे तरिया अर्जुन जोड़ी अर्जुन बुल जो है अपना गांव का नाम ऊंचा कर भाई सुनील की मेहनत ने। तो गांव में पहुंचने पर डीजे बजा के और जब स्वागत कराया गया था भाई, बिल्कुल भाई, तो भाई ये स्वागत तो होते ही रहेंगे अगर आप लगातार मेला में जाते रहो। हम लगाओगे भाई ना। तो सुनील भाई इसने सेल करने का क्या मन है, रखोगे या सेल करोगे? अभी तक बेचारे भाई बेचने है ना। जैसे कोई खरीदने के लिए आया हो भाई ये बताया कि मैं आपके बुल की इतनी कीमत देने को तैयार हूँ, ऐसा कोई बायर आया हो आपके पास? भाई इसका दो बाय है, एक बार 15 लाख रुपए लगाए, एक बार 17 लाख दिए। अच्छा, फिर हमारे कोई इच्छा नहीं बेचने की भी। अच्छा 15 लाख और 17 लाख रुपए लग चुके हैं लेकिन अभी कोई मन नहीं है सेल करने का भाई, चैंपियन प्राइवेट प्रदर्शनी में चैंपियन बन चुके हैं लेकिन और आगे बड़े लेवल बनाने की सोच रहे सरकारी में बन जानी। तो भाई इसके सीमन तैयार करवाए हैं या नहीं करवाए अभी? नहीं भाई करवाए नहीं भाई, सीमन अभी इसके तैयार नहीं करवाए हैं भाई। ना भाई बेरा भाई बीमारी का काम चल रहा है कोरोना की, उससे फिर ज्यादा इसके वजह हम टाले करे बेरा। तो फिर भी भाई कितना समय लग जाएगा, जैसे कोई भाई सीमन खरीदना चाहो आपके बुल का तो जल्दी से सीमन तैयार करवाए क्योंकि अच्छी कद काठी है और मदर मिल्क रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है इसका, 21 किलो 700 ग्राम है। तो भाई इसके जो बच्चे होंगे उनके भी रिजल्ट लगभग बढ़िया अच्छे आवा भाई, कट्टी अच्छे आने की उम्मीद है। तो क्रॉसिंग भी करवा करो भाई। हाँ क्रॉसिंग करवा रहे भाई। क्या चार्ज है क्रॉसिंग का भाई? 2000 रुपए ले आ रहे हैं। 2000 रुपए क्रॉसिंग है, तो कैसे रिजल्ट रहे हैं भाई? गाने बढ़िया भाई, एक नंबर की कट्टी। ज्यादातर अपना कट्टियों है या कटड़ियों है? कट्टिया भी कट्टे भी दोनों चीज होगा। अच्छा बढ़िया रिजल्ट रहा है मतलब तकरीबन। तो भाई सुनील भाई क्रॉसिंग करवाना चाहो कोई भी भाई, अब क्रॉसिंग करवा रहे हो या बंद कर दी है? भाई करवा लेगा दी भाई, वैसे जंप मरवाना पड़ा है ना। अच्छा जी। हाँ ज्यादा वजन हो जाए क्योंकि जंप पंप उठे जागा जागा दी, इसके वजह करवा दे भाई का दी भाई। कभी कभी करवाना है, हफ्ते 10 दिन में वैसे एक दी भाई। बाकी चैंपियन बनवाना है तो भाई डाइट पे और इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना। बिल्कुल रखूंगा भाई। अर्जुन जोड़ी अर्जुन बुल है अपना सुनील भाई का। सुनील भाई फोन नंबर क्या है अपना? 9050 5542
एक और नंबर भाई 8306072973। अच्छा जी, ये नंबर भाई एक जियो का एक बड़ा का, एक जियो का एक बड़ा का भाई ने कंपनी भी बता दी है जी का। जियो टू जियो फ्री हो, जियो वाले पता कर लियो, वोडाफोन का हो वोडाफोन वाले से कर लेना। अपना एक बहुत ही साध्य स्वभाव का भाई है और मेहनत करी है तो आज बुल चैंपियन है भाई का। और जल्दी से भाई सीमन भी अवेलेबल होंगे इस बुल के, और सीमन को आप खरीदने के लिए इन नंबरों पे भाई से संपर्क कर सकते हैं, जोड़ी गांव डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में। तब तो ऐसे ही हर रोज एक से एक चैंपियन, चाहे भैंस की बात हो या बुल की बात हो, हरियाणा नस्ल की कोई भी, चाहे गाय की बात हो, हर एक की जानकारी देते रहेंगे आपको भाई पशुपालन विकास मंच पे। और भाई एक मैन पहचान है भाई के मकान की, ये अपना गोगा पीर का जो मंदिर है भाई, जसबीर एक बार मंदिर हो रहे हमारे को भी भाई आज दर्शन हो गए गुग्गा पीर के, जो मंदिर के पास में ही भाई का मकान है, जोड़ी गांव में एंट्री करते ही मंदिर के पास में मकान है। तो सीमन को भी भाई खरीदना चाहो, कुछ ही समय बाद सीमन अवेलेबल हो जाएंगे। क्रॉसिंग की फीस है 2000, लेकिन अब कम कर दिया क्रॉसिंग। तो भाई ऐसे ही रोज एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।